वेलकम टू द डेली करेंट अफेयर सेशन ऑफ प्लांट अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 4th और 5th जुलाई के इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 4th ऑफ जुलाई 2019 टू प्रिडिक्ट मॉनसून is Bij, Asadi Bij, Asadi Masam or none. So the right answer is option number B, Asadi Bij. Asadi Bij important क्यों है? क्योंकि North India के जो farming communities हैं उनके लिए important है, क्योंकि इस दिन monsoon का prediction किया जाता है, especially Gujarat और UP के side. तो UP में जो famous temple है विश्वनाथ temple, वहाँ ये celebrate होता है, और Gujarat में मुलेश महादेव temple में। महाराष्ट्र गुजरात के जो कच्छ रीजन के जो पीपल होते हैं वो इसे कच्ची न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसको द्वितीया भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर गुजरात का बात करें तो मैप में, इंडिया के मैप में गुजरात इस रीज़न पे शो होता है, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट रीजन में आता है। तो गुजरात का कोस्टल एरिया कितने का है, कोस्ट लाइन एरिया कितना है, 1600 किलोमीटर। वहाँ के CM कौन है गुजरात के, विजय रूपानी, ये है विजय रूपानी। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फॉर्मर न्यूज़ रीडर ऑफ एयर, एयर स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो, पासिस अवे ऑन 4th जुलाई 2019, वरुण देव, वरुण हल्दर, देव मिश्रा और वरुण बैनर्जी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वरुण हल्दर, ये है वरुण हल्दर। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता वेस्ट बंगाल, एंड ही वॉज पॉपुलर प्रेजेंटर ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक इन ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता। और ये चीफ न्यूज़ रीडर के पोस्ट से रिटायर हुए थे ऑल इंडिया रेडियो से, कब, तो 1919 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, शिखर धवन और नन। तो फिगर में आप लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं इजली, ये अंबाती रायडू हैं जिन्होंने अभी सारे क्रिकेट फॉर्म से रिटायर लिया है। ये कहाँ से थे, तो ये आंध्र प्रदेश से थे, और ये 33 इयर्स ओल्ड के थे। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप मैच हो रहा था उसमें भी ये ऑफिशियल स्टैंड बाई लिस्ट में थे, और ही प्लेज टोटल 55 ODs एंड ही स्कोर्ड 1694 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 47.05। ओके, तो आंध्र प्रदेश का बात करें तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, जिसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ के CM कौन है, वहाँ के CM है YS जगन मोहन रेड्डी, ये है जगन मोहन रेड्डी। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर है ESL नरसिम्हा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वाटर कंजर्वेशन कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जल तरंग अभियान, जल बचाओ अभियान, जल शक्ति अभियान और जल सुरक्षा अभियान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जल शक्ति अभियान। ये कैंपेन स्टार्ट क्यों किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। फोकस एरिया इसका कितना है, तो फोकस एरिया है स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट में वाटर का कमी होता है, तो टोटल 1592 ब्लॉक्स एंड 256 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी DDWS। ओके, प्रेजेंटली यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जो मिनिस्ट्री है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाई गई है, पहला मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट। ओके, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी DDWS। ठीक है, इसका काम क्या है, तो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सारा यहाँ डिस्कस होता है। ये फॉर्म कब हुआ है, तो ये फॉर्म हुआ है 31 मई 2019, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सरम शक्ति भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, BLA स्टैंड्स फॉर बलूचिस्तान लिबरल एजेंसी, बलूचिस्तान लाइट एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी एंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी।
प्रेजेंटली यूनाइटेड स्टेट जो है वो BLA को डिक्लेयर किया है ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. BLA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो BLA का हेडक्वार्टर है अफगानिस्तान में, ठीक है. पर और हुसैन अली हजीमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है. BLA को पाकिस्तान और UK ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज़ टाइड अप विथ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ऑफर टर्म इंश्योरेंस? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड आदित्य बिरला पेमेंट बैंक. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ टाइड अप हुआ है, ठीक है. तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में हमको याद रखना क्या ज़रूरी है कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो फर्स्ट कंपनी है इंडिया की टू रिसीव अ पेमेंट बैंक लाइसेंस फ्रॉम RBI. ओके, ये फाउंडेड कब हुआ है? तो ये फाउंड हुआ है ऑन 11th of April 2016. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में. और प्रेजेंटली इसके CEO कौन है? तो ये है अनुब्रता विश्वास, ये है अनुब्रता विश्वास. द UIDAI हैज ऑपरेशनलाइज्ड द फर्स्ट आधार सेवा केंद्र इन विच टू सिटीज? ठीक है, दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई एंड विजयवाड़ा. दिल्ली एंड मुंबई एंड डी दिल्ली एंड विजयवाड़ा, इट इज़ विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ दिल्ली एंड विजयवाड़ा. और टोटल इस ईयर के एंड तक 114 सेंटर्स खोलने का प्रयास किया जाएगा. तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है. अब आधार का बात करें तो आधार क्या है? ये तो आधार का लोगो है, ठीक है. आधार क्या है? तो इट इज़ अ 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है रेसिडेंस ऑफ इंडिया का, बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा. तो ये जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है UIDAI के द्वारा. ये लॉन्च्ड कब हुआ है? तो ये लॉन्च्ड हुआ है 28th of January 2009. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया. प्रेजेंटली इसके CEO कौन है? तो CEO है डॉक्टर अजय भूषण पांडे. और चेयरमैन कौन है UIDAI की? तो वो है जे सत्यनारायण, ठीक है. मोमिर बुलाटोविक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अल्बेरिया, मॉन्टेनीग्रो, अल्जेरिया और नन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेनीग्रो के प्रेसिडेंट थे. ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लेव रिपब्लिक ऑफ मॉन्टेनीग्रो. कब से कब तक? फ्रॉम 1992-1998 एंड ही डाइड ऑन 30th of June. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ MFIN? विनीत छत्रे, मनोज कुमार नाम्बियार, ज्ञान मोहन एंड हर्ष श्रीवास्तव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मनोज कुमार नाम्बियार को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के रूप में ऑफ MFIN. अब MFIN है क्या? तो MFIN इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, फाउंडेड इन 2012. ओके, ये क्या है? तो ये एक एसोसिएशन फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया. इसका लोकेशन कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा. ये है उसके चेयरमैन मनोज कुमार नाम्बियार. और CEO कौन है? तो हर्ष श्रीवास्तव है CEO. इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है उदय कुमार. MFIN के प्रेसिडेंट है उदय कुमार. ओके, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है दिव्य ज्योति पटनायक. और इसके चेयरमैन कौन, वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है विनीत छत्रे, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड UFO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of July, 4th of July, 30th June और 1st of July. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2nd of July. मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है टू क्रिएट एन अवेयरनेस फॉर द पीपल टू गैदर टुगेदर एंड वॉच द स्काइज फॉर UFOs. UFOs स्टैंड फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दस्तक कैंपेन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और वेस्ट बंगाल.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली दस्तक कैंपेन लॉन्च किया था. रीज़न क्या था? तो इरेडिकेट करने के लिए एक्यूट एनसेफेलिटिस सिंड्रोम, दैट इज AES को इरेडिकेट करने के लिए, जो बिहार में रिसेंटली जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान गई. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग्स AMFFR इंडेक्स? इट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिला है. महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो सी विद्यासागर राव. और CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस. ठीक है, तो AMFFR stands for Agriculture Marketing and Farmer Friendly Reforms Index. Okay, अब नीति आयोग. नीति stands for National Institute for Transforming India. ये form कब हुआ है? ये form हुआ है 1 जनवरी 2015 को. इसका headquarter कहाँ है? Headquarter है New Delhi में. Chairman कौन है इसके? तो chairman है इसके नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार. ये है राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन है. और CEO कौन है? तो CEO है अमिताभ कांत. नीति आयोग बनाया क्यों गया है? इट इज़ एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करने के लिए बनाया गया है. IMF बोर्ड अप्रूव्स 6 बिलियन लोन पैकेज फॉर विच सिटी? जापान, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए IMF ने इसको $6 बिलियन का लोन दिया है. ठीक है, अब IMF है क्या? तो IMF stands for International Monetary Fund. ठीक है, International Monetary Fund. इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ है 27 दिसंबर 1945. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में. इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है ये क्रिस्टीनी लगार्डे. और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अच्छा, प्रेजेंटली पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इट इज़ आरिफ अलवी. ये है आरिफ अलवी. चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ द सीनेट ये है सदिक संजरानी पाकिस्तान के. PM कौन है? तो इमरान खान. और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इट इज़ असद कैसर. ठीक है, और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इट इज़ इस्लामाबाद. क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप? चाइना, इंडिया, जापान और पाकिस्तान. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान डिफीट किसको किया है? तो डिफीट किया है इंडिया को. ठीक है, और ये हुआ कहाँ था ये मैच? ये मैच हेल्ड हुआ है दोहा, यानी कैपिटल ऑफ कतर, कैपिटल ऑफ कतर में. ठीक है, और IBF स्टैंड्स फॉर, IBSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट IICTF? गुजरात, पुणे, मुंबई और न्यू दिल्ली. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यू दिल्ली. तो IICTF है क्या? इट स्टैंड्स फॉर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड एंड फेयर. और ये कब से कब तक होगा? इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 11th to 13th of October इन 2019. कहाँ पे? तो प्रगति मैदान दिल्ली, प्रगति मैदान दिल्ली में. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? पुणे, उड़ीसा, न्यू दिल्ली और कोलकाता. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मैच 21st कॉमनवेल्थ उड़ीसा में होगा. उड़ीसा में कहाँ होगा? तो उड़ीसा में ये जवाहरलाल इंदौर स्टेडियम कटक में होगा. ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. ठीक है, और उसके CM कौन है? नवीन पटनायक. और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन गोल्ड इन पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019? हीमा दास, VK विश्माया, तजिंदर पाल सिंह और KS जीवन.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिमा दास. हिमा दास को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो असम से बिलोंग करती है और असम में एक प्लेस है धिंग, जिसको इसलिए उसको धिंग एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाता है. प्रेजेंटली जो इसको गोल्ड मिला है वो 200 मीटर रेस में मिला है. और ये कितने टाइम में कंप्लीट किए 200 मीटर, तो 23.10 सेकेंड्स में. ठीक है. शी ऑल्सो वॉन अर्जुना अवार्ड बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन 2018 में इसको मिल चुका है. 400 मीटर कैटेगरी में इसका नेशनल रिकॉर्ड भी, और ये 4 मीटर कवर किए 50.79 सेकेंड में. ओके. एंड शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द स्टेट ऑफ द असम. ठीक है. ये है वी के विस्माया, जो कि इसी इवेंट में थर्ड पोजिशन पर आई है. और ये अपना मैच 200 मीटर रेस ख़त्म किए 23.75 सेकेंड्स में. ये है शॉर्ट पुटर तजिंदर सिंह, जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है. ठीक है. और ये के एस जीवन, जिसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है. और ये 400 मीटर रेस कितने में ख़त्म किया है, कितने टाइम में, तो 47.25 सेकेंड्स में ओवर हुआ है इसका मैच. अब बात करें पोलैंड का, तो पोलैंड का कैपिटल क्या है, पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो. क्योंकि ये मैच इवेंट कहाँ हुआ है, ये हुआ है पोलैंड में. पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्रेज दूडा. और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है मॉस्ट्यूज मोराविकी. ठीक है. वहाँ की करेंसी क्या है, तो करेंसी है पॉलिश ज्लोटी, वहाँ की करेंसी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव ऑफ प्लानिंग 50 लाख ट्रीज बाय जून 2020. उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड झारखंड. तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है श्रीनगर. पर श्रीनगर कैपिटल कब होता है, तो वो होता है समर के टाइम पे. ठीक है. विंटर के टाइम पे कैपिटल क्या हो जाता है, विंटर के टाइम पे कैपिटल हो जाता है जम्मू. ठीक है. वहाँ के अभी प्रेजेंटली गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक. ओके. जियो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम डिजिटल उड़ान पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और नन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक के साथ टाई अप किया है. फेसबुक कब फाउंड हुआ है, फेसबुक फाउंड हुआ है 4 फेब 2004 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में. और इसके CEO कौन है, तो CEO है मार्क जुकरबर्ग. ठीक है. अब जियो का बात करें, तो जियो क्या है, सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री का. फाउंडेड कब है, ये 15 फेब 2007 को फाउंड किया गया है. तो वहाँ जियो के MD कौन है, MD है संजय मशरूवाला. और जियो के फाउंडर और चेयरमैन कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ IBPS, बी हरिदीश कुमार, JK गर्ग, रवि कुमार और नन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बी हरिदीश कुमार. ये है बी हरिदीश कुमार, जिसको डायरेक्टर चूज़ किया गया है IBPS. कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए. और ये पहले क्या थे, ये पहले थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कैनरा बैंक के. और IBPS स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था. कल फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे. तो अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.